ठीक ठाक है देखिए पूरी दुनिया को इंतजार है और ना सिर्फ आशीष ये जो इलेक्शन हैं ये मार्केट का रुख डिसाइड करेंगे ये एक देश की जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे लिबरल देश है और जो दुनिया का सबसे ऑब्वियसली पावरफुल देश है सबसे अमीर देश है उसमें किस तरीके के मूज रहेंगे अगले चार साल में ये भी डिसाइड करेगा ये तो इसके लिए ठीक है हम सबकी अपनी पर्सनल कुछ प्रेफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन आई थिंक एक कम्युनिटी एट इलाज के लिए भी एक बड़ा इलेक्शन है ये तो कल इसका फैसला आएगा जब तक हम ये कल शो की शुरुआत कर रहे हैं कुछ हद तक क्लैरिटी होगी अनलेस वो मामला फंस जाए जैसे दो तीन की स्विंग स्टेट्स में जैसे एक बार वो बुश वर्सेज एलगोर के मामले में फंस गया था एक बार वो फिर एक हफ्ते तक चला था तो वो अगर हो जाए तो अलग बात है वरना मतलब कल पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा यूएस मार्केट में हल्की सी गिरावट है एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा टाइम बाय करेंगे वो इलेक्शन से पहले तो एस एन पी नैसडेक के करीब नीचे थे दोनों के दोनों इंडेक्स टेन ईयर ट्रेजरी नाइन बेसिस पॉइंट घटकर 4.29 पर आई डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कमज़ोर हुआ 103.88 पर आया ब्रेंट क्रूड 3 परसेंट उछला 75 फाइव डॉलर्स पर आया ओपेक प्लस ने जैसे डिसाइड किया हुआ है कि थोड़ा सा टालेंगे वो अपना डिसीजन और फ्राइडे से डावजोन्स में इंटेल की जगह एन आएगा तो ये एक इंटरेस्टिंग है तो डाउ को एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट मिलेगा वहाँ से अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट टू तो वॉच अब जो निकल कर आ रहा है वो है पेंसिल्वेनिया इस इलेक्शन में वहाँ पर दोनों में कांटे की टक्कर है और ये नॉर्मली एक ऐसा इलेक्शन है जो नॉर्मली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है ये ये स्टेट ये स्टेट डेमोक्रेटिक स्टेट है लेकिन नाइनटीन के बाद पहली बार दो uh, हज़ार में इन्होंने uh, जब डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया था हालांकि 2020 में वापस ही स्विंग हुए थे और वापस जो बाइडन को वोट किया था जिसके वजह से uh, डोनाल्ड ट्रंप हारे थे अब देखते हैं इस बार वो क्या करता है uh, पेंसिल्वेनिया तो ये एक इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ होगी uh, ग्लोबल क्यूज़ लेकिन ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक है हमारी दिक्कत खुद की है अच्छा सॉरी एक चीज़ कहना भूल गया था सी आवाज़ के सभी दर्शकों को स्पेशली जो बिहार में और नॉर्थ साइड में हैं उनको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये आपके लिए त्यौहार शुभ है बड़ा त्यौहार है इवन मुंबई में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये और स्पेशली जो सी साइड वाले एरियाज है वहाँ तो जो बीच पूरा भर जाता है तो सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं नायक